हाँ, पिछले पहर उसके घोड़े दूसरे सवारियों के साथ यहाँ से गुजर रहे थे। मैं तुझे रास्ता। ओ भरी वाला, किधर? क्या है जी? किधर जा रहे हैं? छत पे जा रही हूँ जी। वो कहीं को क्या आप बोलने की तकलीफ करेंगे मोहतरमा? जी मोहतरम, मैं छत पे ये फ्रूट सुखाने जा रही हूँ। जी वो कहीं को? वो मेरी तबीयत खराब है ना, तो हकीम साहब बोले ड्राई फ्रूट्स खाने को। सर काय को कूट रहे जी? हेंद्री औरत ड्राई फ्रूट बोले तो बादाम काजू पिस्ता अखरोट चिलगोजे को बोलते, इसको नहीं। अरे अच्छा हुआ बोल दिए, नहीं तो इसको सुखा देती थी आपको सुखाए जैसा। चल मैं तेरे कुछ खा लेती हूँ। मेरे को खा? अरे परेशान कर दी भाई। और भैया मिली बात तो नो दी। बोल रहे भाई बोल। तोती तो भी बत्ती देते मिली तादी तला दो ना भैया। कौन सी भी बच्ची का मतलब क्या? कैसी बच्ची क्या मतलब? नमादी पले दाल दोता पल दे वाली अति तिलत वाली तली बत्ती देते मिली तादी तला दो तम बात। अरे तेरे को उसके साथ शादी करना है या उससे ये पानी दम कराना है? ऐता बोल लेता भैदान तुम? देख माँ छोटन, तू मेरा साला है, इसके वास्ते तुझे एक पर्सनल लेवल पे एक एडवाइस देता। मैं खुद तेरी बहन से शादी करके दुनिया का परेशान। कुमारों को दिखता के भाई हर फसाद की जड़ या हर परेशानियों का हल शादी है बल्कि, मगर हम जैसे शादीशुदा लोगों को दिखता है कि दुनिया में जितने फसाद और सब फसाद की जड़ शादी है बोल के। इसके वास्ते मैं बोल रहा हूँ माँ, शादी नक्को कर, कुछ तो भी काम धंधा कर, सुन रहा? मैं नहीं सुनता भैदान, तुम मेरी तादी तला नहीं। अरे तोतले मेरी बहुत कुछ समझ रहे। तुम मेरी बात तो तम दो भैदान, दुनिया में तो ही तो भी बाप हुंदा ना, दोती बेटी में तो दिंदा। अरे वो तोतले है, तेरे को कौन भी कोतमीर के साथ पुदीना फ्री में नहीं देता, बेटी कौन देता रे? निकल, चल निकल। बैदान तुम मेरी दान है। दान बैदान, दान 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 है तुम मेरी दान। सरदर्द हो रहा, चक्कर चक्कर जैसा आ रहा। अरे रे रे, मैं तो बात मैं तो नहीं, ये लो मेरी बहन को मैसेज करके लिखो, शाम को घर आ जाओ बोलो। तुम्हारी बहन, तुम्हारा फोन, तुम मैसेज करो, मेरे को कहीं को बोल रहे? मैं कहीं को करूं जी? अजय आपको मालूम ना मेरी हैंडराइटिंग खराब है बोल के, इसलिए आपको लिखो बोल रही। ए होशियार सन की चौंतिया वाला देवशानी औरत, ये क्या तुम्हारे बाबा का खत लिखने के वास्ते फोन है? तुम बहुत होशियार है ना, तो लिखो, शाम में आओ बोल के लिखो, ऐसे टाइम पे रिश्तेदार आज काम आते। अरे रिश्तेदारों से याद आया, देखो बहुत दिन आओ अपने घर को कोई भी रिश्तेदार नहीं आया। अच्छा है ना जी, जान दो छोड़ो। अरे तुम छोड़ो जी ये हरकत, पागल औरत, घर को रिश्तेदार मेहमान आया तो घर में बरकत आती, माल व दौलत में इजाफा होता, और रिश्तेदार अपना रिस्क खुद लेके आते, हमारा नहीं खाते, समझे? अच्छा भाई बुलाओ फिर। बहुत अच्छी बीवी। देखो क्या है, कल दोपहर में मम्मी पापा को दावत दे रहा हूँ मैं, तुम कल मोटे चावल की थाली पका देना, क्या बोलते? ओके अच्छी बात है, बनाती हूँ, ठीक है ना? चलो गुड, बहुत अच्छी बीवी है जी मेरी, कल मैं बुला लेता। अच्छा सुनो, जरा जाले साफ कर दो ना जी। हाँ? मैं बोलती हूँ कभी आपको, मेरे सर में दर्द हो रहा बोल के आपको बोल रही हूँ, नहीं तो मैं इच कर लेती थी। अम्मा बाबा आ रहे ना कल, घर गंदा रहे तो अच्छा दिखता, बताओ। ठीक, झाड़ू उधर है देखो। साफ कर देते हैं आप।
मैं बोलती क्या जी ऐसा? अरे सर में दर्द हो रहा बोल के बोल रही हूँ जी, ये तो मैं ही कर लेती थी, मेरे को क्या प्रॉब्लम? अम्मा बाबा आ रहे ना कल, अब उन्हों वहीं सोते जी, गंदा रहे तो कैसा लगता? कर दे जरा सा। हमें तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों ने, गोरी गोरी साली ने, काली काली सालों ने, दो साल मेरे चार मेरी साली है, सबसे बेकार यारो मेरी ही घर वाली है। हो गया? हो गया? अच्छा सुनो, वो बाथरूम साफ करने का जरा कर दो ना। अरे का पागल बात कर रहे जी तुम, कपड़े साफ करने वाला दिख रहा हूँ तुम्हारे को। अजी मैं कभी बोलती हूँ आपको, सर में दर्द हो रहा बोल के बोल रही हूँ, ये तो मैं ही कर लेती थी। अब अम्मा बाबा आएंगे ना कल, बाथरूम गंदा रहेगा तो कैसा लगता? कैसा दिखता भाई? गंदा दिखता? अरे का भाई वो सब नहीं होता अपने से, तुम्हारे तो हाथ दिए तो सर पर बैठ के नाच रहे तुम भाई। 100 रुपए दे के काम वाली से करा लो भाई, नहीं होता अपने से। व्हाट इज दिस हैपनिंग? नो रिस्पेक्ट, इज्जत ही नहीं है मां का। शोर हूं ना करूं? हट। विदन, तावा पति ना पति ना होते पूला तुम? अरे हाँ रे भाई, तेरी बहन जीना आराम करती रे भाई मेरा। हाँ घर में पूरे काम करा रही, झाड़ू पोछा बर्तन पैखाना भी साफ करना कहते। क्या है रे? हाँ तू बोल मैं क्या करूँ? और दो ताल धना पतल लो पैसे अच्छे साथे बद्दाते तुम आदू। भैदान तुम मेरी दान है भैदान, तू मेरी गा। देख रे भाई मुंह नको खुला, मेरा दिमाग फरेवा है, जाके सौदा वौदा लेके आ जा, कल हम ये बाहर आ गए थे तारी बनाना है, जा। तुम मेरी दानी मेरे जान, बोलता है कि क्या बोलता है, भरोसा नहीं है तोतले का है। क्या खुद को क्या जोरा भी समझ रहे या अनारकली समझ रहे? जो कर लेते बैठे हुए ये तशरीफ का टोकरा उठाओ और खाना निकालने की तैयारी करो, अब्बा आ रहे हैं तो फोन करे मेरे को। अच्छा आंदो आंदो, तुम टेंशन न करो, मैं देख लेती हूँ। तुम तहारी तो पकाए ना, देखो तहारी तेज तेज रहना का है, अब्बा अम्मी को जरा तहारी पसंद है जरा तेज। मैं कुछ भी नहीं पकाई, चावल है, दाल चावल है। अरे पागल बात कर रहेगा जी, मैं कल तुम्हारे से पूछा ना तो तुम ही बोले हाँ, तो अम्मा बागू दावत दिया मैं। हाँ तो? तो क्या तो तुम पकाए कहीं को नहीं? अजी अम्मा बाबा क्या घर के लोग आए हैं ना, क्या अजनबी है गैर लोगा है, जो घर में बनता खा लेते। अरे मैं इनको बोल दिया जी तुम तहारी पकाने वाले हैं बोल के, अब दाल चावल बोले तो क्या समझेंगे लगा। अजी जान दो, एक काम करो तुम उनको कॉल करो, सॉरी बोलो और बोलो मेरी तबीयत खराब है, अगली बार आए तो बनाती हूँ। अरे पागल हो गए, ऐसा बोले तो क्या समझेंगे लोग? हाँ क्या समझेंगे क्या जी, अम्मा बाबा है कि गैर लोग आए अजनबिया है। नको जी बोल दो जी भाई, अब मेरी तबीयत है बोल खराब है बोल के किस्सा खत्म कर दो बस। देखो तुम ये हरकत छोड़ दो अल्लाह के वास्ते प्लीज, नहीं तो आगे जाके बहुत पछताएंगे तुम। A few moments later. बाप, सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम। रही। हाँ बेटा, कल दामाद साहब कॉल करके दावत दिए, आओ बाप बहुत दिन हो गए आप लोगों की याद आ रही बोल के, बहुत अच्छा दामाद मिला। कहाँ बेटा कहाँ दामाद साहब? उन्हों तो अभी बाहर गए। ये क्या बात, मेरे को दावत दे के घर को बुला के उन्हों बाहर चले आते, ये क्या तरीका? अरे नहीं अब्बा, उनको वो अर्जेंटली कॉल आ गया था तो उन्हों चले गए। आप आइए ना, आप बैठिए, मैं उनको कॉल करके आती हूँ, बुलाती हूँ उनको। अजी छूटे आदमी, आप मेरे को कहीं को नहीं बोले, आप अपने पापा को नहीं मेरे पापा को दावत दिए बोल के। आओ जी तो तुम्हारे पापा मेरे पापा एक ही बात ना, इसके आस्ते नहीं बोला। अच्छा जान दो छोड़ो, जल्दी से एक प्लेट होटल से बिरयानी लेके आओ ना।
प्लीज। अरे ना बता भाई, मैं बहुत दूर हूँ। देखो क्या है, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली एक ही बात है ना। हाँ, जो तुम मेरे अम्मा बाबा को खिलाने वाले थे वही तुम्हारे बाबा को खिलाओ। जी कैसे खिलाना जी, वो बासी चावल है। अरे अरे ऐसा कैसा होता बेगम है, तुम्हारे पापा के अजनबी है क्या, गैर है, घर के आदमी है, घर में जो रहा वो खा लेते हैं। अब्बा आप 2 मिनट ठहरते, मैं तारी बना के लाती हूँ। 2 मिनट। इधर आ बेटा, बैठ। मैं समझ गया है क्या माजरा है। तुम्हारे शौहर के माँ बाप की इज्जत करेंगे तो तुम्हारा शौहर तुम्हारी माँ बाप की इज्जत करेगा और तुम्हारे को खुशहाल जिंदगी गुजारना है तो अपने शौहर की फरमा बरदारी करो और उसके माँ बाप की इज्जत करो। ऑटोमेटिक बोला तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करते हैं। अब तुम्हारे को खुद सोचना है कि तुम्हारे कैसी जिंदगी करना है। अब तुम खुद शुरुआत करना है और तुमको ही डिसाइड करना है कि तुम्हारे को कैसी जिंदगी करना है। नाम रोशन करो बेटा, डुबाओ ना, समझे। अदी बादी भाईदान दुत्ते में हूं दे, तुम तुत भी न तो बोलो, तुम था मुझ बैठो पूरी दलती तुम्हारी ते इधर उन आए तो तू थाली बोलो और मसला खत्म तलो इधर ही समझ में आला बता। अजी सॉरी, इट्स ओके। मेरे को मालूम है तुम्हारे बाबा तुम्हारे को समझा के गए, इसके वास्ते तो तुम शर्मिंदा है, मगर अगली बार से इन सब चीजों का ख्याल रखो। जी बिल्कुल। ये आपका फेवरेट चॉकलेट ले, तो ले ले। भैदन भैदन, अरे क्या रे भैदन, बादी ने थाली पीली दलदा लेते, तुम दुत्ता तत्ते मालिंदे बोलते। देख रे भाई, उसको गलती का एहसास हो गया ना, बस काफी है। मारना डराना अच्छी चीज नहीं है वो। वैसे भी क्या है, मैं तेरी बहन को समझता रही, हमारी लव मैरिज हुई है ना। लव मैरिज हुई तुम लोगों की? अम्मी तो बोले तुम लोग थी, अलग मेहनत हुई। क्या है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और रहते, खाने के कुछ और रहते, समझा। अब लव मैरिज है बोले तो घरों के आजू बाजू के लोगों वाले ताना मारेंगे, बोल के क्या करे, उसको लव कम अरेंज कर दिए उसे। ओहो, अब मैं भी लव मैले तल तुम। अरे वो लव मैरिज का बच्चों का खेल समझ रहा, हाँ पूरा खानदान खिलाफ हो जाता, हाँ अड़ोस पड़ोस आजू वाले ताने मारना शुरू कर देते, सबसे पहले तो अम्मा बाबा नाराज हो जाते, समझा। इतने नालू में अभी अति भाभी लव मेले तले तो धल वाले नाला दो देता। आओ रे, तू कौन से तो भी चुड़ैल के चक्कर में आ गया क्या? हाँ उसके वास्ते काम धंधे पे नहीं जा रहा तू। देख छोटन, ये चुड़ैलों से बच के रहना। देख ये मकर पुट्टियां क्या करते मालूम, मासूम बच्चों को पकड़ते उसकी बैगन में मिला देते जिंदगी। ऐसे पोटियों से, ऐसे मक्का पोटियों से उनके खानदान से दूर है ना छोटन, मैं बता दे रही हूँ, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। देख अती बाजी वैता तुद भी नहीं है दी बादी, भैदान बोले मैं तो तुम लोग लव मैले तले बोलते। बेगम जरा इधर आओ। आ रही हूँ जी, आ रही हूँ। भैदान तो भी उनके बादी आई थी बोले होंगे। बेगम जी बोलिए। मेरे जेब में से 500 की नोट कौन लिए? मेरे को क्या मालूम, क्या मैं चोर नहीं दिख रही आपको? रे तोतले, तू लिया? रे मैंने लिया, बादी इनो लिए इनो। देखो बेगम, जो इंसान चोरी करता ना उन्हें बाद में बहुत पछताता करते। अच्छा
तो आप जो मेरी नींद चुराए, मेरा चैन चुराए, मेरा दिल चुराए, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? बहुत बुरा ख्याल है उसके बारे में, अभी तक आप पछता रहा हूँ ओवर हो जा रहा जी, पानी सर से ऊपर चला जा रहा, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं नहीं रह सकती इधर। छोटन जा, बैग निकाल, कैब बुक कर, अपन लोग अभी इसी वक्त घर छोड़ के चले जाएंगे। जाओ पहली फुर्सत में, जाओ यहां से, दिखो ना को मेरे को, अब जान छोड़ो मेरी खुदा के वास्ते। आपकी यही चादर मेरे को बहुत बुरी दिखती, जान बोल के खुदा का वास्ता देके मेरे को हमेशा रोक लेते आप। छोटन जाना कैंसिल, बैग अंदर रख दे जा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़ाकम। मेरे को मालूम है ये एपिसोड में भी आप थोड़ा इमोशनल लगे, जब हम वालिदैन की, माँ बाप की, पेरेंट्स की वैल्यू बताए और इन लॉज की जो वैल्यू बताए, जो कि बहुत जरूरी है। तो अगर आप लोग हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और आपके बार कितने लाइक होना है? 50,000 से ऊपर होना है। नाइस, कर देते। और आप हमारी बात मान रहे हैं, हम दिख रहे हैं, हमें यस यस, हमारे सब्सक्राइबर्स बॉर्डर बहुत जल्दी 1 मिलियन होने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच इन एडवांस। तो गाइज ऐसे आप लोग सपोर्ट करते रहो, हम लोग ऐसे अच्छे अच्छे जबरदस्त वीडियोज बना के आपको एंटरटेन करने की कोशिश करते। थैंक यू सो मच एंड मिलेंगे अगले हफ्ते नए एपिसोड के साथ।